सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस, आज आपको मैं अपडेट देने वाला हूँ जो वैकेंसीज रिगार्डिंग जो CRPF में सर्विंग कर रहे हैं, जो कि CRPF में कार्यरत हैं, जो कि जॉब करते हैं CRPF में, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे कॉन्स्टेबल पोस्ट के हो, चाहे ट्रेड्समैन के पोस्ट के हो। तो गाइस, ये वैकेंसी निकली है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। तो गाइस, आपको सबसे पहले बताया था कि काफी यूट्यूबर्स हैं इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों बच्चों को भ्रमित में रख रहे हैं या कह रहे हैं कि ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक चैनल है दोस्तों, शायद आपको पता होगा, उनके आगे लगता है सर, ठीक है, सर लगता है, ठीक है। तो वो भी कह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी, उन्होंने ये नोटिफिकेशन खोला था, लेकिन उन्होंने कई चीजों में, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सर्विंग मेल एंड फीमेल कांस्टेबल्स, यानी कि दोस्तों एप्लीकेशन उनके लिए है जो कि सर्विंग कर रहे हैं, जो मेल या फीमेल सर्व कर रहे हैं एज अ पोस्ट ऑफ कांस्टेबल में, जो कि कार्यरत हैं इसमें और जो अपनी प्रमोशन चाहते हैं सीधे हेड कांस्टेबल लेवल के लिए। तो गाइस, इसकी डेट ऑफ ओपनिंग हो चुकी है, 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है इसका ऑफलाइन एग्जाम, इस एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने का डेट शुरू हो चुकी है, इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा 19 अप्रैल को। तो गाइस, ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए गाइस, ठीक है, जो कि इसमें कार्यरत हैं, ठीक है। तो कुल मिला के वैकेंसी है 1412 वैकेंसी, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 1331 है और फीमेल के लिए 81 है। अब मेल में जो 1031 जनरल कैटेगरी के लिए है, SC की 200 है, ST की 100 है। अब फीमेल की बात करूं तो 81 वैकेंसी ओवरऑल, जिसमें 63 जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 06। जो सैलरी आने वाली इसमें रहेगी, पे लेवल 4 रहेगा, मिनिमम सैलरी आपकी होनी 25,500 से लेकर 81,000 प्लस अलाउंसेस, जैसे कि DA, ड्यूरस अलाउंस, ड्यूटी अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, CCA एंड अदर अलाउंसेस एज पर एडमिशन अंडर रूल्स, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आपको बताता हूँ कि जो कार्यरत हैं, जैसे कि कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी हो गया, बगलर हो गया, माली हो गया, पेंटर हो गया, ठीक है, जो कि हेड कॉन्स्टेबल की प्रमोशन चाहते हैं। तो गाइस, इसमें देखिए, जो जो अधिकारी इसमें सर्विस कर रहे हैं, जिनको 4 साल अभी सर्विस करते हुए, 4 साल सर्विस करते हुए हुआ है, तो उनके लिए दोस्तों ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको 4 से 5 साल हो चुके हैं इस फॉर्म को जॉब करते हुए, तो उनको 4 नंबर मिलेंगे। जिनको 5 से 6 साल काम करते हुए हो गया हुआ है कॉन्स्टेबल के पोस्ट पे, तो उनको 8 नंबर मिलेंगे। 6 से 7 साल हो गया काम करते तो 12 नंबर, 7 से 8 साल हो गए 16 नंबर, और 8 साल से ज्यादा उनको काम करते हो गया तो 20 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों, अपर एज लिमिट रखी है 32 साल, यानी कि 32 साल मैक्सिमम एज रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो एजुकेशन सिंपली क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए किसी भी सेंटर बोर्ड या स्टेट बोर्ड से। उनका जो ACR है बिल्कुल लास्ट 4 साल का बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई भी रिकॉर्ड उनका, कोई भी करेक्टर वगैरह खराब नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। सो अब देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे है, J&K जोन इसका है, GC, CRPF कोटा, सोनीपत और SNR, और सेंट्रल जोन में आता है अमेठी, BBSR और गुवाहाटी, और नॉर्थ ईस्टर्न जोन का गुवाहाटी, इम्फाल, और साउथ ईस्ट का अवधि और नागपुर में। स्टेज वन क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 160 नंबर का, जिसमें आपका 60 नंबर का आएगा जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस रीजनिंग और मेडिकल अवेलेबिलिटी, प्रोफेशनल नॉलेज होगा 70 मार्क्स का, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होगा 30 नंबर के, कुल मिला के 160 नंबर का। कट ऑफ रखा गया 50%, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर SC ST है तो आपको 45% मार्क्स लाना है। अब मिनिमम हाइट की बात करूं तो मिनिमम हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स, जो कि जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, और फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप डोगरा, मराठा, गोरखा, कुमाऊं, गढ़वाली से हो तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 और फीमेल में हो तो आपकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो मिनिमम चेस्ट आपकी होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला का 85। अगर आप डोगरा, मराठा, कुमाऊं, यानी कि अगर आप रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स हो तो आपकी मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 78 और फुला के 83। अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स हो तो मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 76 और फुला के 81, जो कि सिर्फ मेल के लिए चेस्ट वाला। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें 100 मीटर की दौड़, अगर मैं मेन की बात करूं, मेन कैटेगरी की बात करूं, तो मेन कैटेगरी में 100 मीटर की दौड़ आपको 16 सेकंड में करनी है, बहुत आसान से निकल जाएगा। 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 12 फुट का रहेगा, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप है 3 फुट 9 इंच, जो कि ना के बराबर होता है, बहुत आसान होता है। वुमेन की बात करूं तो 100 मीटर आपको 18 सेकंड में करना है, 800 मीटर की दौड़ आपको 4 मिनट में करनी है, लॉन्ग जंप आपको 9 फुट करना है 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप 3 फुट करना है, ठीक है गाइस, ओके। तो कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म है ये, इसका एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो,
ठीक है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो मेरे दोस्त कार्यरत हैं सीआरपीएफ में जिनको 4 साल हो गए काम करते हुए, तो इस फॉर्म को फिल कीजिएगा अगर आप अपनी प्रमोशन चाहते हो दोस्तों। तो वैकेंसीज काफी हैं और ओपन ओपन कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों वैकेंसी भी बहुत जल्दी निकलने वाला है, कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल का, सॉरी ये आपका हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का बहुत जल्दी निकलने वाला है। अगर आप चाहते हो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी के बारे में आप अपडेट दूं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर हेड कॉन्स्टेबल, बस इतना लिख दीजिएगा हेड कॉन्स्टेबल। जितने मुझे कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये था वीडियो जो काफी यूट्यूबर्स भ्रमित कर रहे थे, बच्चों की वैकेंसी निकल चुकी है हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री की, लेकिन दोस्तों ये उनके लिए जो सर्विंग कर रहे हैं यानी कि एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सो गाइस अच्छा लगा मेरी वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद एंड जय भारत गाइस।